हद हो गई। आपने साहिर मियां को भेज दिया उसका दवा दारू लाने के लिए। कमाल करते हैं आप भाई, वो घर का होने वाला दामाद है, आप उसे सेवा चाकरी कराएंगे उस दो टके की बज़ात लड़की की? कमाल है भाई। अव्वल तो मैं कहती हूँ उसको साथ लाने की जरूरत ही क्या थी, और फिर ये कि घर के दामादों से कुछ घर का भरम ही तो रखना होता है। उससे अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और वो भाभी बेगम को देखो, झट से फोन मिला दिया जन्नत बीबी को, जैसे मरने ही तो वाली उनकी लाडली। कमाल करती हो तुम। भाई हम भाभी जी को कैसे मना कर सकते हैं? अगर वो चाहती हैं कि उनके मैके वाले आके देखे कि उनकी बेटी का क्या हाल है, तो हम कैसे रोक सकते हैं उनको? दूर के सलाम ऐसी राह चलती बहू पर, उसके दो टके के मैके पर, झूठों का पलंदा। मैं आपको कह दे रही हूं, अब मैं चुप नहीं रहने वाली, और बेहतर होगा आप भी चुप का रोजा तोड़ दें। चाचा जान वाकई भोले को पागलखाने भेज देंगे? मेरी बला से कहीं भी भेजे, बस तुम्हें आजाद कर दे भेजने से पहले। साहिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, चाचा तुम पर इतना एतबार करते कैसे हैं? मतलब इतना भरोसा कि तुम्हें वो अपने उन इरादों के बारे में भी बता रहे हैं जो अमूमन दूसरों को नहीं बताए जाते, और जबकि वो ये भी चाहते हैं कि तुम उनके दामाद बनो। शरीफ आदमी शराफत छोड़ देता है, बुजदिली नहीं, उसे अपने खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, या फिर यह जवाब के ये सब उसने किसी के बहकाने में आकर किया। क्या मतलब? मतलब यह कि मेरी सूरत में उसे तसल्ली रहती है कि वो गलत काम नहीं कर रहा। खैर इतनी खुदगर्जी दिखाना हर इंसान का हक होता है। वैसे भी अगर मेरी तरफ से उसे बर्वक की कमक ना मिलती तो हो सकता है अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर या फिर अपनी बुजदिली से खायफ होकर वो ये इरादा ही तर्क कर देता। मैंने अम्मा जनते को बुलवा लिया है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी हालत खुद देखे, उनका दिल पसीजे और उनको एहसास हो कि भोले से अलहदगी में ही मेरी निजात है। होना भी यही चाहिए कि सारा तनाज़ा बगैर किसी मसले के अम्मा जनते के दबाव में आकर आसानी से हल हो जाए, वरना दूसरा रास्ता बाकी है और तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान भी।